लाइट बनो ट्यूनिंग बनो वेलकम बैक टू माय चैनल आप फिर जाएंगे चलो कोई नहीं इधर खेती खेत है आप इधर देखेंगे और ये सामने देखिए आप इसमें लिली ही लिली दिख रहा है बहुत सारे लिली वन नाउ यू वी गॉट गाँव में रहने का मजा ही कुछ और है खुला हवा खुला आसमान यहाँ पे ना कुछ रोड हमें जरा सा अच्छा मिला है एंड ये देखिए ये कभी ये अभी धान उठाई तो नदी दिख रहा है मान लो जी आपके पास कोई बोट है स्पीड बोट है आपके पास नॉर्मली कुछ जो नौका वगैरह हो गया बोट वगैरह उसको लेके नदी में आप जय जगन्नाथ। तो दोस्तों फिलहाल अभी मैं हूँ अपना गांव से कुछ 6-7 किलोमीटर दूरी में हूँ। यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है नदी के पास, मतलब थोड़ा सा आइसोलेटेड एरिया है बट अच्छा है। यहाँ पे अगर कोई पार्टी शार्टी करो, मतलब नॉर्मली खाना बनाओगे, बाहर में कुछ फीस्ट वगैरह करना हो तो बहुत मज़ा आएगा। ये अपना नदी जो नदी दिख रही है नदी के उस पार करीब कुछ यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी है मेरा गाँव। ये है एक लूना नदी है, नदी का नाम है लूना। लूना के बगल में ये मंदिर है, मंदिर को डेवलप किया गया है, मंदिर के आसपास पार्क बनाया गया है और ये डेवलप किया गया है। लोकल जो अपना सरपंच है वो डेवलप किए हैं। यहाँ पे देखिए इधर पार्क अच्छा बना हुआ है, अच्छा पार्क बना हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा मेंटेनेंस इसका प्रॉपर नहीं हो रहा, बट मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा होता तो थोड़ा सा अच्छा डेवलप होता। एनीवे धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, एक टाइम पे अच्छा लगेगा। काफ़ी सारा इसमें प्लांटिंग किया हुआ है एंड इसमें देखिए आपको मैं रोड दिखा सकता हूँ। रोड देखिए कितना ख़राब है, रोड काफ़ी रफ है। जब ये इधर एक ब्रिज बन रहा है, ब्रिज जब कंप्लीट हो जाएगा ये रोड में काम करेगा कंप्लीट। फिलहाल ये बन रहा है, लेट्स सी कब तक होगा। आई होप कि 2-3 साल में ये कम्प्लीट हो जाएगा। अच्छा लगता है जब अपना लोकल एरिया थोड़ा डेवलप होता है, लोकल में डेवलप कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो अच्छा लगता है। मैं ऐसे सोचा कि यार गांव में बैठा हुआ तो सोचा कि वीडियो बना लेते हैं आसपास में क्या माहौल है, तो लोकल एरिया थोड़ा सा कितना डेवलप हुआ है दिखा सकते हैं। ये गेट तो बंद है पार्क को जाने के लिए, बट देखते हैं मैं आपको मंदिर के उधर से लेके जाऊंगा। यहाँ पे देखिए शंकर एंड देवी पार्वती का फोटो बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है बैठने के लिए जगह और घर भी बंद है। बहुत सारा अभी काम फिलहाल चल रहा है। यहाँ पे देखिए कुत्ते इतना खड़े थे, मुझे डर लग रहा है कुत्ते भूखेंगे नहीं तो भूखेंगे तो नहीं। चप्पल बाहर रख देते हैं, मंदिर है यार चप्पल को बाहर रख देते। ये मैं हूँ, मेरे पीछे भाई है मेरा, हम दोनों आए हुए हैं। यहाँ पे एक डॉग मेरे को ऐसे देख रहा है, जब भूखेगा तो मैं फिर भाग जाऊँगा इधर से, मेरे डॉग से काफ़ी डर लगता है। ये शंकर महादेव जी का मंदिर है, हर हर महादेव। घर बन रहा है जिसमें खाना पाना बनेगा। ये घाट बना हुआ है इधर नदी के पास में, इसमें कोई नहाएगा, कुछ ऐसे मंदिर में कोई पूजा वगैरह होगा तो इसमें अपने पानी का कोई ज़रूरत पड़ेगा इधर से लेंगे।
दूर में आपको दिख रहा है एक ब्रिज का काम चल रहा है, ब्रिज बन रहा है। वंस ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा तो इनके यहाँ पे लोकल में इनको थोड़ा फायदा होगा। बैठे कितने पानी है वो? पानी कितना है वो? थोड़ा दबा नहीं। अब कितने पानी, मतलब टोटल कितना पानी है वो? बहुत बहुत पानी। खरा दिन कितने रहुचे? हाँ खरा दिन पड़े माछ जो धरते सब ଏଇଠି ଧରିବେ ନି କେ? ଆଚ୍ଛା କହି ହବନି ମେନ୍ ଦିଅ ପାଣି ଭିତରେ, ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନା ଖାଲି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ମେନ୍ ଦିଅ ପାଣି ଭିତରେ ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପାଣି ତ ବହୁତ ଅଛି ନା କ'ଣ? ମନ୍ଦିର ବୁଡ଼ି ମନ୍ଦିର ପାଣି ବେଶୀ ହେଇଥିବ ମନ୍ଦିର ହଁ ଝର ବୁଡ଼ି ମନ୍ଦିର ଡାଉନ ଅଛି ନା? ଇଏ ବୁଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ରହିବ? ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବୁଡ଼ିଲା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ରହିବନି ସତ କଥା। ମାଉସୀ କ'ଣ ଏଇଠି ରହୁଛ? ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ଠିକ କଥା କହୁଛ। अगर कोई फिश वगैरह बनाने के लिए आओगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो फिलहाल ये जो मेरा पीछे देख रहे हो मंदिर के एंट्रेंस है, मंदिर के एंट्रेंस से काम चल रहा है। मतलब आज से कुछ 2-3 साल पहले यहाँ पे ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट था नहीं, बट हाउएवर अभी मंदिर का काम चल रहा है। एक एंट्रेंस है, अंदर में मंदिर जो आपको दिख रहा है शंकर महादेव का मंदिर है। मैं आपका यहाँ पे कहना है जो लेजेंड है कि एक्चुअल में भगवान पानी के अंदर है, जो नदी है ऊपर में सिर्फ एक है उनका मैम, जो आप बोल सकते हैं स्टैचू वगैरह जो भी बोल सकते हैं, मंदिर का जो एक मूर्ति है उसको पूजा करने के लिए ऊपर रखा हुआ है। तो वो मंदिर है बहुत दिनों से यहाँ पे, वहाँ शिवरात्रि में भीड़ होता है। जैसे दशहरा भी था, दशहरा में लोग यहाँ पे काफ़ी आए हुए थे, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन होता है लोगों का आने में, दोस्त लोग आते हैं पार्टी शार्टी करते हैं। ये जस्ट आई एंटर टू द पार्क, पार्क को मैंने एंटर किया यहाँ पे। अच्छा बना हुआ है, हाँ जैसे कि बता रहा था इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस चाहिए बट रेस्टेज ओके, प्रॉपरली यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है। घास फूस ना ये जो टाइल के ऊपर भी आ गया है, इसको थोड़ा सा डेवलप किया जाएगा तो मज़ा आएगा। बना हुआ था काफ़ी अच्छा था लेकिन पानी इतना नदी में हो गया, अब देखिए टूट गया है, ये लैंडस्लाइड किया है, ये टूटा हुआ है, टूट गया है, जिसके वजह से इसका थोड़ा सा सौंदर्य में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आए हैं, बट एनीवे हो जाएगा कुछ दिन के बाद ही ठीक हो जाएगा। सो दोस्तों ये था माझीपेड़ा जो टेम्पल है वहाँ का, यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा। मैंने सोचा कि नॉर्मल से वीडियो बनाए, अपना लोकल एरिया में क्या हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम तो बहुत काफ़ी मतलब बाहर घूमते रहते हैं बट लोकल में कुछ ऐसा अच्छा होता है, जगह होता है, हम उसको देखना भी चाहिए। एनीवेज आज का दोस्तों वीडियो में यहीं पे साइन आउट करता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, अगले वीडियो में। तब बाय, कीप ट्रैवलिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय दोस्तों, बाय।